वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए चार जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। इसमें बीटेक, एमटेक, बीकॉम, बीबीए, बीए, बीएससी सभी एलिजिबल होने वाले हैं। सभी कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं कोर्सेज एलिजिबल है, ठीक है। सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और आगे और बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड करते रहा, चाहे वो किसी भी कंपनी से कोई अपडेट आई हो, चाहे वो ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड हो या हायरिंग कब होगी उसके ऊपर वीडियो हो, इन्फोसिस से रिलेटेड तो ऑलमोस्ट मैंने 250 प्लस वीडियोस बना रखी है, ठीक है। आपका कोई भी डाउट होगा ना ऑनबोर्डिंग से लेके, ठीक है, रिजल्ट से लेके, इवन मैंने बता रखा है रिजल्ट कब तक आता है, अगर नहीं आता है तो आपको क्या सीन वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो एक बार आप गो थ्रू हो सकते हैं, अराउंड 1100 प्लस वीडियो है हमारे चैनल पर, तो आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको वहाँ अभी थंबनेल में बताया, इस मतलब ये जो तीनों चारों जितनी भी हायरिंग है इन सभी में इंजीनियर भी एलिजिबल है, नॉन इंजीनियर भी एलिजिबल है, कॉमर्स वाले भी एलिजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी आपकी एप्पल की तरफ से आ रही है, जो होने वाली एसोसिएट कैंपस लोकेशन की होने वाली हैदराबाद, ठीक है। अब आते हैं नीचे जो चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ग्रेजुएट डिग्री पास आउट इन 2022, मतलब कि आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन ही है ना और 22 पास आउट हो तो अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट की बात करें, मंडे टू फ्राइडे आपकी जॉब होगी 9 to 6, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आपको टाइपिंग स्पीड आपकी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, और अप्लाई करने के जो मैंडेटरी स्टेप है ना आपको 22 पास आउट होना ही है। और उसके अलावा भी जैसे यहाँ टाइपिंग स्किल की बात की गई थी, और थोड़ी बहुत आपको पीसी और आईओएस की नॉलेज होनी चाहिए, और इंग्लिश तो ऑब्वियसली बात है ऑफ कैंपस हायरिंग है, विदाउट अ डाउट आपकी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी हायरिंग है आपकी एसेंचर की तरफ से जो होने वाली है, ये भी आप देख सकते हैं एसोसिएट टेलीकॉम ऑपरेशन, तो ये भी बिल्कुल फ्रेशर है। जैसे मैंने आपको सारी जो स्टार्ट में बोला, सारी जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए ही है। देख सकते हो न्यू एसोसिएट लोकेशन बैंगलोर, एनी ग्रेजुएशन, और यहाँ पे आपने इसमें भी देखा था एनी बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और 2022 पास आउट, तो आपकी एसेंचर और एप्पल वाली बिल्कुल ही मिलती जुलती है, ठीक है। और थर्ड अपॉर्चुनिटी की अगर बात कर लेते हैं, इसमें ना आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे आते ही है जेनपैक वाली, और ये होने वाली है प्रोसेस एसोसिएट, ये भी फ्रेशर्स के लिए ही है। तो इसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, देखो फ्रेशर्स आर एलिजिबल बीकॉम, बीबीए, बीए, बीएससी, नॉन टेक ग्रेजुएट, ठीक है। इसमें नॉन टेक्निकल वाले जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला इंजीनियर और नॉन इंजीनियर सभी एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपको एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, पीएनसी इंश्योरेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए, गुड एनालिटिकल थिंकिंग वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी, आ रही है किसकी है, काउच बेस की तरफ से है, और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 नवंबर, और ये भी आपकी फ्रेशर्स वाली ही है। तो मैंने आपको बोला हर एक जितनी भी जॉब मैं आपको बताने वाला हूँ ना, कि तो तीन बताई मैंने, एक है इंजीनियर, नॉन इंजीनियर और बीकॉम वाली, और सभी की फ्रेशर्स वाली, ये भी फ्रेशर्स के लिए ही है। इसमें बीई, बीटेक, एमई, एमटेक विद स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, और उसके बाद आपकी जो सीजीपी है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। एसेंचर हो गया, जेनपैक हो गया और एप्पल हो गया, उसमें कुछ लेना देना नहीं है, बस पर्टिकुलरली आपको इसी प्रोफाइल के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड हो, जितनी भी चारों हायरिंग हमने कवर की, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।